पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इन्होंने राम की बात की, इन्होंने राम की बात की, और ये बताया कि क्यों नहीं हम जा रहे हैं, आप भी नहीं जा रहे हैं, अखिलेश जी भी नहीं जा रहे हैं 22 तारीख के कार्यक्रम में। और उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी का कोई भगवान हो, हमारे भगवान तो पीढ़ी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, धर्म तो वो भी लाए लेकिन दूसरे जरिए से। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की, थोड़ी मर्यादा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सौरभ जी आपने शो के शुरुआत का जो वाक्य बोला, मैं आपके ही शब्द दोहरा रहा हूँ, अपना कोई शब्द नहीं जोड़ रहा। आपने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी केवल राम की बात कर रही है, वो केवल राम के भरोसे पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब अगर इस देश को ये बात ठीक लगती हो कि केवल धर्म का नाम लेके, केवल मंदिर का फोटो दिखा के और केवल राम का नाम लेके ही देश की राजनीति चलनी चाहिए, तो देश की जनता को तय करना 24 के चुनाव में। बात तो सही है। जहां तक हमारा सवाल है, हम स्पष्ट तौर पर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इनको 2000 साल तक सताया गया, कम से कम 2000 साल तो इन्हें विशेष अवसर दो। दूसरी बात हिंदुत्व की और मंदिर की मैं बताता हूं, हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं, ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। जुम करो। ये छोटे दिल वाले छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं, हमारे हिंदुत्व में महात्मा गांधी भी हैं, हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं, हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं। अगर आलोचना करना और पाखंड का विरोध करना हिंदू विरोधी होना है, तो फिर दयानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर विवेकानंद भी हिंदू विरोधी हैं, फिर कबीर भी हिंदू विरोधी हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म करो। राम मंदिर बन रहा है, स्वागत है, सबको खुशी है। राम तो इस जन कण कण में व्याप्त हैं, राम तो सबके इष्ट है, राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। सुधांशु जी ने व्यंग किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खाम खा क्या है परेशानी कहें। लवणे न भोजन बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, मैं तो अब खत्म हो गया यार, मैं तो ये हमारा आपस का मसला, हम आपस में सुलट लेंगे, हमने परेशानी। तीसरी बात, मैं तो बोलना ही शुरू करा, आप तो पूरे 15 मिनट आपका प्रवचन सुना मैंने। कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये दावा तो राम का करते हैं, लेकिन इनका चरित्र रावण जैसा है। रावण के अंदर अहंकार था, रावण पूरी धरती पे अपना कब्जा मानता था, देवताओं को भी अपना गुलाम मानता था, ईश्वर को भी मानता था, किसी की सुनता नहीं था। वही इनके व्यवहार में, इनकी वाणी में वही रावण के अहंकार झलकता है। क्या बात, ये बात है, ये जैसे राम क्यों बोल रहे हैं, ये मंदिर क्यों जा रहे हैं, ये पूजा क्यों कर रहे हैं? क्या हमने अब पूजा करनी शुरू की है? क्या आप सौरभ जी, आप ईमानदारी से बताएं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। आर यू कॉमेडी मी? क्या नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी पक्के हनुमान भक्त नहीं थे? सुना है मैंने, भगवान राम की विरासत पर रावण के लोग कब्जा करना चाहते हैं, वो हम कब्जा नहीं होने देंगे, हम असली राम भक्त हैं। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। दूसरी बात, मैं जो गंभीर बात कहना चाहता हूँ, ये धार्मिक भावनाओं में भड़का के असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। अभी पिछले सप्ताह NCERB की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में टॉप पे है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, आप हूं नहीं अभी हाय हाय करोगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।